वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, एक न्यू बाइक लेकर आया हूँ मैं, जो कि है बजाज की तरफ से। गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बजाज की P150। जी हाँ गाइस, बजाज ने इस बाइक को न्यूली लॉन्च करा है और इसका नाम दिया है बजाज पल्सर P150। गाइस आप लोग इसको P150 भी बोल सकते हैं, अगर पल्सर और पल्सर P50 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस लुक के साथ, इस बाइक में आपको क्या क्या न्यू फीचर्स दिया गया है, उसके साथ ही इसमें आपको क्या प्राइस है फाइनली, और क्या क्या इसमें आपको कलर आते हैं वो भी इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। और लास्ट इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस बाइक का जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट का साउंड वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको सुनाने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि इस चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इससे पहले हेलो गाइस, मैं हूं रूपम और आप देख रहे हैं आर के रूपम चैनल। तो गाइस मैं आज आया हूँ SS बजाज शोरूम में, जो कि रेजीनगर मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल पर है। और गाइस शोरूम में आपको हर एक बाइक का, मतलब जो बजाज की बाइक होता है, हर एक मॉडल में आपको टेस्ट राइड देखने को मिलेगा। उसके साथ ही अच्छा खासा ऑफर भी इस शोरूम में आपको देखने को मिल जाता है। तो आइए गाइस फर्स्ट आप बाइक को टेस्ट राइड करिए, तो उसके बाद आपको बाइक अच्छा लगा तो परचेस करिए। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ बजाज पल्सर 150 के बारे में। जैसे कि आप लोग पहले ही देख चुके होंगे गाइस, ये जो बाइक है ये आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। एक है इसका सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट जो कि अभी मेरे पास है, और दूसरा जो है वो इसका डुअल डिस्क वाला वेरिएंट। जो गाइस इसका डुअल डिस्क वाला वेरिएंट है उसमें आपको डुअल चैनल डिस्क देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही इसमें आपको स्प्लिट सीट, मतलब जो डुअल सीट बोलता है, डुअल सीट भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो ग्रैब व्हील्स है वो भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। गाइस इस बाइक का जो अगर हम लुक की बात करें तो बहुत ही बढ़िया लुक दिया गया है इस बार बजाज ने। और ये पी जो इसका सीरीज है बहुत ही परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसका जो लुक और मस्कुलर बॉडी देखकर आपको मालूम हो चुका होंगे। तो आइए बात कर लेते इसका फ्रंट के साइड की तरफ। गाइस इसमें आपको फ्रंट का जो हेडलाइट है वो इसमें आपको फुल्ली LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रोजेक्टर लैंप के साथ ही आता है, जो कि इसका अंधेरे के टाइम जो इसका रोशनी है बहुत ही बढ़िया से उभर के आ रहे हैं। गाइस उसके साथ ही इसमें आपको एक DRL भी नज़र में आएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। इसका जो अपर डीपर पोर्शन है बहुत ही बढ़िया, मतलब चारों तरफ आपको रोशन ही रोशन कर देगा इसका हेडलाइट को देखने के बाद। और जो इसका प्रोजेक्टर हेडलाइट यूज़ करा है LED वाला, बहुत ही बढ़िया, मतलब उभर के आ रहे इसका रोशनी। और साथ ही साथ गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इसका जो फ्रंट का लुक आपको देखने में कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और काफ़ी हद तक से इसका जो बजाज का N160 और N250 जब वाला जो मॉडल होता है, काफ़ी उससे सिमुलर टाइप का ही मॉडल दिया गया है, कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही गाइस बात कर रहे थे इसका पीछे के बैकलाइट के बारे में, जो इसका पीछे का बैकलाइट है वो आपको N160 वाला मॉडल में जो बैकलाइट देखने को मिलते थे, सेम कुछ उस टाइप का ही बैकलाइट दिया गया है, मतलब कुछ उस टाइप का नहीं वही बैकलाइट दिया गया है जो कि LED के साथ ही आता है। इसका जो ब्राइटनेस है बहुत ही बढ़िया है। तो उसके साथ ही गाइस बात कर लेते हैं इसका जो चारों इंडिकेटर है वो, उसके बारे में जो इसका इंडिकेटर है वो भी N160 में देखने को मिलते थे पहले, वही सेम टाइप का आपको इंडिकेटर इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएगा, वही येलो वाला बल्ब के साथ इसमें आपको इंडिकेटर दिया गया है। इसमें आपको LED इंडिकेटर नहीं है, उसके बदले आपको बल्ब टाइप का इंडिकेटर दिया गया है, लेकिन इसका जो ब्राइट है बहुत ही बढ़िया है। तो उसके साथ ही गाइस बात कर लेते हैं इसका कलर के बारे में। तो गाइस इस बाइक में आपको बहुत सारे कलर के ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि रेसिंग रेड, कैरेबियन ब्लू, एबोनी ब्लैक रेड, एबोनी ब्लैक ब्लू एंड एबोनी ब्लैक वाइट। गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इस पांचों कलर में से आपको कौन सा कलर सब लगा देखने में। और अभी जो आप कलर देख रहे हैं इसका रेसिंग रेड कलर है, तो वही कलर आपको जो डुअल डिस्क वाला वेरिएंट है उसमें भी देखने को मिलेगा, सेम ही कलर, लेकिन ये जो कॉस्मेटिक चेंज है वो आपको दोनों बाइक में नज़र में आएगा। साथ ही गाइस आप लोग देख रहे होंगे इसका जो बॉडी ग्राफिक्स है काफ़ी उभर के आ रहा है, जैसे कि सामने के जो इसका मडगार्ड है काफ़ी, मतलब एरोडाइनिक टाइप का मडगार्ड दिया गया है, जिसके ऊपर आपको ABS लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और गाइस ये आपको ब्लैक और रेड कलर के साथ कॉम्बिनेशन करके इसका जो मडगार्ड है वो डिज़ाइन करा है, मडगार्ड भी अच्छा लग रहा है देखने में।
उसके साथ ही गाइस इसका बॉडी ग्राफिक्स की अगर हम बात करें, आप लोग देख रहे होंगे एरोडायनामिक लुक के साथ काफ़ी, मतलब अलग से साइड से देखने के बाद काफ़ी अलग सा लुक निकल कर आ रहा है। मतलब एक स्पोर्टी बाइक में जो होना चाहिए कुछ उस टाइप का आपको बॉडी ग्राफिक्स देखने को मिलेगा इस बाइक में। टैंक की दोनों साइड में आपको पल्सर के जो एम्ब्लेम होता है वो देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही साथ आपको जो इसका ऑयल पैनल है जो सीट के साइड में आता है उसमें आपको जो पल्सर मतलब P150 का जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये आपको स्टिकनी के साथ ही देखने को मिलता है। और गाइस जो इसका टोल बॉक्स है दोनों साइड में, जो टोल बॉक्स का सेक्शन है इसमें आपको फॉल्स कार्बन फिनिश नज़र में आएगा। मतलब जो इसका साइड पैनल है उसमें आपको कार्बन फिनिश के साथ फाइबर की ग्राफिक्स दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग देख रहे होंगे इसका जो इंजन काउल है, इंजन काउल भी जो बॉडी कलर है उसके साथ ही मैचिंग करके दिया गया है। जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी हद तक से मतलब एक अलग टाइप का फील देता है, लेकिन जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है इसके वजह से थोड़ा घट गया है, लेकिन साइड से अगर हम इस बाइक को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस इंजन काउल के वजह से। उसके साथ ही गाइस बात करें इसका टैंक के बारे में, इसमें आपको 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा से बढ़िया है। मतलब जो लॉन्ग ड्राइव करते हैं, लॉन्ग राइड करते हैं उसके लिए एकदम बढ़िया है, एक बार डाल दीजिए और बहुत ही अच्छे से बहुत दूर तक ये गाड़ी चल जाता है। उसके साथ ही आप लोग देख रहे होंगे इसका सीटिंग पोर्शन बहुत ही बढ़िया है और इसमें आपको सिंगल सीट नज़र में आएगा। जो इसका डुअल डिस्क वाला वेरियंट है उसमें आपको स्प्लिट सीट नज़र में आ जाते हैं, लेकिन ये वाला मॉडल में आपको सिंगल सीट ही देखने को मिल जाता है। मतलब पल्सर ने इस बार आपको दोनों ऑप्शन दिया गया है, जो सिंगल सीट पसंद करते हैं उसके लिए ये बाइक आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जो स्प्लिट सीट पसंद करते हैं वो भी इस बाइक को खरीद सकते हैं। तो उसके साथ ही इस पीछे के ग्रैब रिंग्स की अगर हम बात करें, जो डुअल डिस्क वाला वेरियंट में आपको स्प्लिट टाइप का ग्रैब रिंग्स देखने को मिलेगा डुअल शेप के साथ, लेकिन ये वाला मॉडल में आपको एक सिंगल शेप के साथ ग्रैब ग्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अलग से एक फील कर देता है। और उसके साथ गाइस और एक फीचर्स भी ऐड कर दिया है इस बाइक में, मतलब 150 में पहली बार है इसमें आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। मतलब जो राइडर होता है इसके लिए ये बाइक बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस आप इससे आपका मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे जो कि बढ़िया एक फीचर से इस टाइम पर। उसके साथ ही गाइस फाइनली बात करें इसका और एक इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, वो है इसका इंजन। गाइस इसमें आपको 140.68 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4-स्ट्रोक FIVS6 कॉम्प्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा और इस इंजन में आपको मिल जाता है 14.29 bhp @8500 rpm के साथ पावर और टॉर्क आपको मिलता है 13.5 Nm @6000 rpm के साथ पावर। गाइस आप और एक चीज गौर करेंगे, इसका जो इंजन है इसकी इंजन के ऊपर DTSI का कोई भी बैजिंग नहीं दिया गया है क्योंकि ये डुअल स्पार्क इंजन के साथ नहीं आता है। इसका जो इंजन है वो अलग से डिजाइन करा है और अलग से मैन्युफैक्चर करा है इस बार बजाज ने इस इंजन के ऊपर। उसके साथ ही गाइस इस बाइक में आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स की ऑप्शन दिया गया है। और एक बात, इसका जो माइलेज है अभी तक माइलेज मैंने टेस्ट नहीं करा, लेकिन रूमर्स का जो कहना है और कंपनी का जो क्लेम है इसमें आपको 45 से लेकर 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ये बाइक आपको इजिली से दे देगा। उसके साथ इसको इसका जो टॉप स्पीड कंपनी जो क्लेम करा है इसमें आपको 150 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ये बाइक आपको इजिली से उठा देगा। और गाइस आप बताना कमेंट करके, अगर आपके पास पल्सर P150 वाला मॉडल है तो आप इसमें कितना टॉप स्पीड उठा पाइए, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर इस बाइक का टॉप स्पीड आप चेक करते हैं तो इसके पहले आप जरूर राइडिंग जो कॉस्ट्यूम है, राइडिंग वाला कॉस्ट्यूम जरूर पहन लीजिए क्योंकि इसमें बहुत ही खतरनाक जोखिम होता है। तो गाइस मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा इसको आप जरूर पहने, उसके बाद ही जो इसका टॉप स्पीड है वो आप चेक करिए। गाइस सीट हाइट की अगर हम बात करें, मतलब बहुत बंदा की क्वेश्चन होता है कि कितना इसका हाइट है, क्या मैं चढ़ पाऊंगा या नहीं, तो गाइस मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसका जो सीट हाइट है वो आपको 790 mm की सीट हाइट मिल जाता है। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें आपको मिलता है 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। व्हील बेस जो है इसका बाइक का वो है 1352 mm की व्हील बेस। और इसके साथ ही इसका जो ऑल कार्ड वेट है इस बाइक का वो है 140 किलोग्राम की वेट। जी हाँ गाइस, 140 किलोग्राम की वेट के साथ ये बाइक बजाज आपको दे रहा है, तो 140 किलोग्राम इसका वेट है गाइस, तो काफ़ी हद तक से बहुत ही लाइट वेट है। और गाइस बात करें अगर हम इसका ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो इसमें आपको सिंगल चैनल और डुअल चैनल दोनों ABS का ऑप्शन दिया गया है। मतलब अभी आप लोग जो मॉडल देख रहे हैं इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा फ्रंट की तरफ, और जो डुअल डिस्क वाला वेरिएंट है उसमें आपको डुअल चैनल ABS के ऑप्शन भी दिया गया है इस बार बजाज ने। गाइस हैंडल पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, जो इसका हैंडल दिया गया है वो आपको जो N160 में हैंडल यूज़ करता है बजाज, वही सेम टाइप का हैंडल आपको इस बाइक में दिया गया है। जो हैंडलिंग पोर्शन है बहुत ही बढ़िया है और इस टाइप का हैंडल मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगता है।
इसका जो सर्विस कॉस्ट है और जो हैंडल का प्राइस है बहुत ही कम है। जो पहले वाला पल्सर के जो मॉडल आते थे उससे काफ़ी अलग टाइप का इसमें हैंडल दिया गया है, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। गैस आप लोग कमेंट करके बताना है इस टाइप का हैंडल आपको देखने में कैसा लगता है और चलाने में भी कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी बात करते हैं गैस इसका स्विचिंग सिस्टम के बारे में। इसमें आपको लेफ्ट साइड के हैंडल के ऊपर आपको एक पासिंग लाइट की स्विच, उसके साथ आपको अपर डिपर और साथ ही साथ उसके नीचे आपको एक इंडिकेटर की स्विच देखने को मिल जाता है और ठीक उसके नीचे आपको एक हॉर्न की स्विच भी देखने को मिल जाता है। और राइट साइड के हैंडल की अगर हम बात करें गाइस, इसमें आपको एक रेड कलर के साथ इंजन किल स्विच नज़र में आएगा और ठीक उसके नीचे आपको एक ब्लैक कलर के साथ सेल्फ की बटन भी दिया गया है। काफ़ी यूनिक टाइप का हैंडलिंग पोर्शन दिया गया है इस बाइक में। जो दोनों साइड के हैंडल है, हैंडल के एंड में आपको एक गुटका टाइप का नज़र में आएगा। जो इसका लुकिंग ग्लास है काफ़ी यूनिक टाइप का है, मतलब जो पहले वाला मॉडल आते थे काफ़ी हद तक से अलग दिया गया है इस बार। साथ ही गाइस इस बाइक में जो इसका मीटर कंसोल है मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा देखने में। फ्रंट का जो विंडशील्ड है वो थोड़ा छोटा टाइप का दिया गया है, उसके ऊपर आपको जो इसका डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है इसको आप सेमी डिजिटल मीटर कंसोल बोल सकते हैं। जो इसका मीटर कंसोल है उसका शेप आपको N160 से सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो डिजिटल मीटर है वो आप उसका जो लाइट है वो अलग देखने को मिलेगा। तो गाइस इस मीटर कंसोल में आपको बहुत सारे फीचर्स भी ऐड कर दिया है इस बार बजाज ने। तो इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच की जो फीचर्स है वो इस बाइक में आपको मिल जाता है। उसके साथ ही इसमें आपको ABS का इंडिकेटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टेगोमीटर, उसके साथ ही इसका जो स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग के साथ ही देखने को मिलेगा। साइड में आपको एक क्लॉक इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, ABS का इंडिकेटर, बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर, RPM मीटर, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो मतलब जो एक एवरेज पैकेज होता है मीटर कंसोल में, इस बाइक में आपको सब कुछ ही देखने को मिलेगा, वैल्यू फॉर मनी भी बोल सकते हैं। मुझे पर्सनली इसका मीटर कंसोल का ऊपर का जो केस है बहुत ही बढ़िया लगा है, मतलब एक धूप के टाइम में भी अगर आप इस मीटर को जलाएंगे तो आपका जो शार्पनेस है बहुत ही अच्छे से इस मीटर कंसोल से उभर के आ जाता है। और गाइस इसमें आपको 90x90 का 70 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है फ्रंट की तरफ, और रियर की तरफ आपको मिल जाता है 100x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर। गाइस पीछे का जो टायर है मुझे थोड़ा कमियां लगा, क्योंकि इसमें आपको एटलास्ट 120x80 का टायर आपको मिल सकते थे, लेकिन क्या बताइए इसका माइलेज के ऊपर ध्यान देख कर बजाज ने इसको बनाया है। और गाइस इसका जो फ्रंट का डिस है, डिस का साइज आपको मिलता है 160mm की डिस साइज। रियर में आपको इस बाइक में ड्रम ब्रेकिंग नजर में आएगा। जो डिस वाला वेरिएंट है, डुअल डिस वाला वेरिएंट, उसमें आपको जो रियर का डिस है वो आपको मिलता है 130mm की डिस साइज, लेकिन इस बाइक में आपको पीछे की तरफ ड्रम ब्रेकिंग नजर में आएगा। गाइस बात करें और एक इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, वो है इसका सस्पेंशन। गाइस इस बाइक में आपको फ्रंट की तरफ टेलीस्कोपिक फॉर्क टाइप का सस्पेंशन दिया गया है जो कि 30mm साइज है उसका, और रियर के जो सस्पेंशन है उसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो कि रेड कलर के साथ ही आता है। और लास्ट और फाइनल गाइस बात करें इस बाइक का प्राइस के बारे में, गाइस ये जो वाला वेरियंट आप देख रहे हैं इसका सिंगल डिस्क वाला वेरियंट है, इसका प्राइस आपको मिल जाता है 1,34,821 रुपीज़, जो कि इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता की प्राइस है। और जो इसका डुअल डिस्क वाला वेरिएंट है उसका प्राइस आपको मिल जाता है 1,38,150 रुपीज़, जो कि इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता की प्राइस है। यही था कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन बजाज पल्सर P150 के बारे में। गाइस आप लोग कमेंट करके बताना बाइक का कौन सा कलर, कौन सा फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। फाइनली इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड है, इसका पार्टनर में भी इंक्लूड किया गया है, तो इसका एग्जॉस्ट का साउंड आपको कैसा लगा वो भी मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और बाइक रिलेटेड डे टू डे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। गाइस मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा और फेसबुक का लिंक मैं भेजता हूँ, वहाँ पर जाकर आप फॉलो अप कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही।